हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अमेज़न के कुछ वैसे होम ऑर्गेनाइजर्स जो कि मैंने पिछले साल मंगाया था और पूरे साल यूज़ करने के बाद मैं इस रिज़ल्ट पे पहुंची हूं कि वो बिल्कुल पैसा वसूल ऑर्गेनाइजर्स है और आप सबके घर में उनकी नीड ज़रूर होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और बताया जाए कि अमेज़न पे ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं और मैं इनको पिछले एक साल से यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट एक साल से, किसी को एक साल से यूज़ कर रही हूँ, किसी को 6-7 महीने से यूज़ कर रही हूँ। मीन्स पूरे 2020 में मैंने अमेज़न से जितने भी होम ऑर्गेनाइजर्स की शॉपिंग की उनमें से जो मुझे ऐसा लगा एक साल 6-7-8 महीना यूज़ करने के बाद कि वो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल पैसा वसूल है और हर एक घर की ज़रूरत है, उन्हीं को मैंने आपके साथ शेयर करने का डिसीजन लिया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं जिस भी प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट की आपको भी ज़रूरत है, आपके घर को भी ज़रूरत है, तो उसे ज़रूर खरीदिएगा। अननेसेसरी पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत होती है इंसान को सिर्फ उतने ही सामान रखने चाहिए। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया था वो है ड्रिफ्टिंग वुड डब्ल्यू शेप वॉल माउंट बुक शेल्फ। ये एक जिगजैग वॉल शेल्फ है। अमेज़न पे ये दो कलर में अवेलेबल है, एक रिच वॉलनट कलर में और दूसरा की ब्लैक कलर में। हमने जो परचेज किया है वो है ब्लैक कलर का। इसका जो मटेरियल है वो इंजीनियर्ड वुड का बना हुआ है। अगर हम बात करें डायमेंशन की तो 71.1 × 14 × 11.9 सेंटीमीटर मीन्स लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट है इसकी। आप अगर इसको इंचेस में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 28 इंच इसकी लेंथ है, विड्थ है इसकी 5.5 इंच और हाइट है इसकी 4.7 इंच। आप इसको इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, खुद से ये वॉल पे माउंट हो जाता है। ये जो डब्ल्यू शेप्ड वॉल शेल्फ है ये कंप्लीट यूटिलिटी प्रोडक्ट है जो कि आपके घर के लुक को बहुत अच्छे से इनहेंस करता है। ये परफेक्ट है स्टोरेज पर्पज के लिए भी। आप इस पे बुक्स सकते हैं, स्टेशनरी आइटम्स रख सकते हैं, इसके साथ ही साथ डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। आप इस पे फ्लावर वेसेस और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स को अरेंज कर सकते हैं। वॉल शेल्फ डेकोरेशन के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है, पर अगर हम छोटे स्पेस में रह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा स्टोरेज सोल्यूशन भी होता है। बहुत लेस एफर्ट के साथ आप इसे वॉल पे माउंट कर सकते हैं और जो भी चीज़ें आप रखते हैं इस शेल्फ में वो इजी टू एक्सेस होता है। बिल्कुल हमारे हाइट में आप इसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको लगा लीजिए, जो भी चीज़ चाहिए आपको बिल्कुल सामने है, आप इजीली उसको ग्रैब कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्पेस सेविंग सॉल्यूशन होने के कारण आप इसे अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में, ऑफिस एरिया में, इवन की किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे एज अ डिस्प्ले यूनिट भी यूज कर सकते हैं, इसमें बुक्स, पॉटेड प्लांट्स, फ्रेम फोटोज एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स डिस्प्ले कर सकते हैं। सारी नेसेसरी फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज जो भी इसमें ज़रूरत होती है वो सब कुछ प्रोडक्ट के साथ आपको मिल जाता है। इसके साथ ही साथ आपको इसमें एंकर्स भी मिल जाते हैं जिससे कि आपको प्रोडक्ट जो ये बुक शेल्फ है उसको वॉल पे माउंट करने में आसानी होगी। तो आपको कुछ भी अलग से बाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जितने भी फिटिंग्स चाहिए वो सब कुछ आपको इसके पैकेट के साथ ही मिलता है। तो ऑल यू नीड इज ड्रिल करो, थोड़ा सा हल्का सा ड्रिल करो और स्क्रू लगाओ, उसमें एंकर फिट करो, स्क्रू से उसको टाइट करो और वॉल पे माउंट कर दो। बस इतना ही करना और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर एंड पे अगर हम असेंबली की बात करें तो, और जो कुछ भी इसमें इंस्ट्रक्शंस चाहिए आपको असेंबली के लिए वो सब कुछ एक बुकलेट के फॉर्म में आपको पैकेट में आता है। आप उसको आसानी से रीड करके और वॉल पे माउंट कर सकते हैं। तो पर्सनली मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आता है। आप अपने लिविंग रूम में इसको लगा सकते हैं, आप इसको डिफरेंट टाइप से सेट करके इस पे हर एक ये पार्ट वाइज आता है तो हर एक पार्ट पे आपको ABCDE ऐसे करके लिखा रहता है। आपको बस ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी, डी के बाद ई ऐसे करके अटैच कर देना होता है और वॉल पे इसको माउंट कर देना होता है। आप इसको बहुत अपनी क्रिएटिविटी यूज करके डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप से अरेंज कर सकते हो और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अमेज़न पे ये दो कलर में अवेलेबल है, एक वॉलनट फिनिश में भी, वॉलनट के कलर में भी है और एक ब्लैक कलर में भी है। ब्लैक वाला थोड़ा लैमिनेटेड है, हमने जो ऑर्डर किया था वो ब्लैक वाला और बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है, आपको लगता है कि आपके घर को इसकी नीड है, आपको इसकी नीड है, तो इसे ज़रूर परचेज कीजिएगा। लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सेकंड जो प्रोडक्ट हमने परचेज किया था वो अगेन एक बुक शेल्फ है और ये है
अपू कोको ब्रांड की तरफ से, और ये एक बुक शेल्फ है, वॉल माउंटेड हेवी ड्यूटी मेटल इनविजिबल बुक शेल्फ है, जो कि 3 पीसेस में आता है। अगर मैं इसके पूरे नाम की बात करूं तो ये है अपू कोको बुक शेल्फ वॉल माउंटेड हेवी ड्यूटी मेटल इनविजिबल बुक शेल्फ, 3 पीसेस पर पैक। हमने जो ऑर्डर किया था वो ब्लैक कलर का किया था, इसमें 2 कलर्स अवेलेबल है, एक ब्लैक और एक व्हाइट। तो आप अपने घर के डेकोर के हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं। अगर इसके डायमेंशन की हम बात करें तो 15.6 x 13 x 17 सेंटीमीटर का ये है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट में, और लगभग 750 ग्राम के आसपास का इसका वेट है। हमने कलर लिया है ब्लैक कलर, और इसका जो मटेरियल है वो आयरन का मटेरियल है, तो बहुत हेवी है। डरने की कोई बात नहीं है कि बहुत पतला सा दिख रहा है तो पता नहीं कैसा होगा, बहुत हेवी ड्यूटी है ये। और इसमें 3 शेल्फ आते हैं जो कि अगेन आप अपने क्रिएटिविटी को यूज करके, अपने थॉट को यूज करके आप डिफरेंट टाइप से उसको अरेंज कर सकते हैं। और ये एक वॉल माउंटेड शेल्फ है, तो आपको स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके घर में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बहुत स्पेस क्रंच है आपके घर में, तो भी आप इसको वॉल पे माउंट कर सकते हैं और अपने बुक्स को, अपने डेकोरेटिव आइटम्स को इस पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हम डिटेल में इसके फीचर्स की बात करें तो ये बहुत स्पेस सेविंग है। आप इसमें बुक्स को स्टैक कर सकते हैं वर्टिकली इन अ टावर पोजिशन, तो जब इसमें बुक्स आप प्लेस कर देते हैं तो आपको देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि बुक्स फ्लोट कर रहे हैं दीवारों पर। बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल शेल्फ दिखता नहीं है क्योंकि बहुत पतला होता है तो वो छिप जाता है, और ऐसा लगता है सिर्फ बुक्स ही चिपका हुआ है और फ्लोट कर रहा है दीवार पर, तो बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत इजी है असेंबल करने में और इंस्टॉल करने में भी। नेक्स्ट फीचर ये है कि इसका जो डिजाइन है वो इनविजिबल है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप इसमें बुक्स को स्टैक कर देते हैं तो बुक्स के पीछे शेल्फ जो है वो छिप जाता है, आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, और बहुत अच्छा लुक क्रिएट होता है इससे। ऐसा लगता है जैसे कि बुक्स फ्लोट कर रहे हैं। बहुत खूबसूरती से बुक्स ऑर्गेनाइज तो हो ही जाते हैं, साथ साथ उनको एक्सेस करना भी बहुत इजी हो जाता है। और इसका जो डिजाइन है वो बहुत परफेक्टली डिजाइन किया गया है, बहुत अच्छा है। ये जो फ्लोटिंग बुक शेल्फ है वो स्ट्रॉन्ग एमएस मेटल से बना है, और ईच शेल्फ में आप 5 kg तक वेट की बुक्स रख सकते हैं, तो समझ जाइए इससे कि कितना स्टर्डी होगा। तो आप इसमें अपने मोटे मोटे बुक्स भी इजिली स्टैक कर सकते हैं। तो अगर हम 3 शेल्फ की बात करें तो ऑलमोस्ट आपका 15 kg तक के वेट का जो बुक है वो इसमें आसानी से आप प्लेस कर सकते हैं। आप इसे मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इसको अपने बेडरूम में यूज कर सकते हैं एज अ बेडरूम डेकोर। आप अपने बेड के साइड में आप इसको माउंट कर सकते हैं, जो कि काम करेगा बिल्कुल आपके बेड के साइड टेबल की तरह। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि रूम का जो स्पेस होता है, बेडरूम का जो स्पेस होता है, वो इतना छोटा होता है कि साइड टेबल हम नहीं लगा सकते हैं, तो आप वहां पर भी इसको माउंट कर सकते हैं। तो आपकी जो भी नेसेसरी चीजें होंगी जो कि आपको बिल्कुल इजिली एक्सेस करने के लिए चाहिए होती है रात में या फिर मॉर्निंग में उठने के साथ ही, वो सारी चीजें आप उन पे स्टैक कर सकते हैं, उन पे रख सकते हैं। जैसे कि बुक्स हो गया, घड़ी हो गया, पानी का ग्लास हो गया, फोन, और भी बहुत कुछ जो भी आपको हैंडी चाहिए अपने बेड के आसपास, वो सब आप इस पे रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इसको ऑफिस डेकोर के लिए भी यूज कर सकते हैं। रूम के किसी कॉर्नर में या फिर ऑफिस टेबल के साइड पर आप इसको लगा सकते हैं, जिसमें कि आप अपने डेकोरेटिव आइटम्स, पेन स्टैंड या क्लॉक वगैरह भी रख सकते हैं। अगेन इस प्रोडक्ट के साथ भी आपको स्क्रू एंड एंकर्स मिल जाते हैं, जिससे कि आपको बस इसे ड्रिल करना है और माउंट कर देना है। आपके पास अगर ड्रिलिंग मशीन है तो आप इसे खुद से इजिली कर सकते हैं। अगर ड्रिलिंग मशीन नहीं है तो मे बी आपको कारपेंटर की नीड होगी, पर अगर आपको ड्रिलिंग आती है, आपके पास ड्रिलिंग मशीन है, तो कोई इशू नहीं है, आपने उसको इजिली आपसे वो ड्रिल होके माउंट हो जाएगा। ये अमेजोन पे 2 कलर में अवेलेबल है, एक ब्लैक कलर और एक वाइट कलर। तब अपने रूम के डेकोर के हिसाब से आपको जो भी कलर पसंद हो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरा जो प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया था अमेजोन से, जो कि मुझे पर्सनली बहुत 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 पसंद है, वो है एक शू रैक। और अगर मैं इसके पूरे नाम की बात करूँ तो ये है फ्लिप जोन पाउडर कोटेड 5 डोर स्टील शू रैक, वॉल माउंटेड है अगेन ये, और बहुत स्पेस सेवर है। मुझे पर्सनली वॉल माउंटेड चीज़ें बहुत पसंद आती हैं क्योंकि फर्श पे अननेसेसरी बहुत स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करती हैं। आजकल इतना मुश्किल हो गया है छोटे छोटे स्पेस में चीज़ों को अरेंज करना, कि सब कुछ अगर हम फर्श पे रखें तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारा घर बहुत छोटा सा लग रहा है। तो अगर वॉल माउंटेड है तो बहुत ईजिली आप उनको एक्सेस भी कर सकते हैं, वो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं, साथ ही साथ स्पेस की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है। तो मुझे पर्सनली ये शू रैक
बहुत 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 पसंद है। मैं सबको रेकमेंड करूंगी कि ये शू रैक तो आप जरूर ही बाय करें अगर आपके घर में स्पेस की प्रॉब्लम है, और अगर आप मेरी तरह हैं जिनको चारों तरफ शूज बिखरे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो ये शू रैक तो आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। अगर इसके कलर की बात करें तो मैंने जो कलर लिया है वो है कॉफी ब्राउन कलर का। इसका मटेरियल वैसे तो कहने में है कि ये स्टील मटेरियल का है, पर आप जब इसको देखिएगा तो ऐसा लगेगा ये एक हेवी ड्यूटी आयरन मटेरियल है, और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता देखने में आपको, मतलब देखने में तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, पर मुझे ऐसा लगा मे बी शायद ये आयरन है। मैं मटेरियल में बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आता है, पर ऐसा लिखा गया है कि स्टील है, पर चूंकि ये कॉफ़ी ब्राउन कलर से पेंटेड है और पाउडर कोटेड है तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आयरन लुक में आयरन का लुक दे रहा है, पर मे बी शायद ये आयरन ना हो, स्टील ही बट लुक उससे आयरन का आ रहा हो, पर ये बहुत अच्छा है देखने में। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो 53x14x171 cm का डायमेंशन है उसका जो मैंने परचेज किया था। मैंने लिया है 5 रैक वाला, पर इसके बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है, आप चेकआउट कीजिएगा अमेजोन पे, बहुत सारे वेरिएंट हैं, 2 रैक के भी हैं, 3 रैक के भी हैं, 4 के भी हैं, 5 के भी हैं, तो मैं आपको वो सारे सबका स्पेसिफिकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, 2, 3, 4, 5 सारे वाले का लिंक मैं दे दूंगी, आपको जो भी आपके नीड के अकॉर्डिंग ज़रूरत होगी आप वो बाय कर सकते हैं। ये जो हमने ऑर्डर किया था ये मम्मी के घर के लिए ऑर्डर किया था, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग 5-6 लोग हैं, पापा मम्मी मैं छोटी सार, सबके बहुत सारे शूज़ होते हैं और स्लीपर्स होते हैं, तो चूंकि फैमिली बड़ी है हमारी तो इसलिए 5 रैक की ज़रूरत थी, पर अगर आप 1-2 लोग हैं तो आपको 5 रैक वाले की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको बाई कर सकते हैं। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये बहुत स्लिम और बहुत स्पेस सेवर ऑर्गेनाइजर है। अगर आप इस टाइप के इंसान हैं जिनके पास बहुत सारे फुटवेयर्स है ना, तो ये ऑर्गेनाइजर तो डेफिनेटली आपके पास होना ही चाहिए। ये देखने में भी बहुत एलिगेंट लगता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपके पास स्पेस नहीं है, जो कि आजकल बहुत लोगों के पास नहीं होता है शू रैक रखने के लिए, क्योंकि शू रैक बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इससे बेहतर तो कोई और सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। ये आपके घर के किसी भी कॉर्नर में फिट हो सकता है, और इवन कि घर के बाहर भी एक बार बंद कर देने पर आपका कोई भी फुटवेयर इसमें दिखाई नहीं देगा, और जब आप खोलेंगे तो सारे के सारे फुटवेयर आपकी नजर के सामने होंगे, क्योंकि इनका जो डोर है वो थोड़ा सा टेढ़ा होकर नीचे की तरफ खुलता है, तो बिल्कुल एक नजर में आपको आपके सारे फुटवेयर दिख जाते हैं उसमें से, उसके बाद आपको जो भी नीड हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये बहुत स्लिक और कॉम्पैक्ट और वेरियस साइजेस में अमेजोन पे अवेलेबल है, तो जो भी आपका प्रेफरेंस है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अमेजोन से बाय कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ शूज रखते हैं हेवी वाले स्पोर्ट्स शूज टाइप, तो आप इसमें 10-12 शूज रख सकते हैं, क्योंकि ये शूज थोड़ा ज्यादा स्पेस लेते हैं। आप इसके एक शेल्फ में 2 पेयर शूज इजीली रख सकते हैं, या मैक्सिमम 5 पीसेस, मतलब कि 2 तो कंप्लीट पेयर आ जाएगा और 1 सिंगल शूज आ जाएगा, पर अगर आप सैंडल स्लीपर्स या सब मिक्स करके रखते हैं तो 18-20 पेयर्स आप इसमें रख सकते हैं, क्योंकि फैमिली में तो सभी टाइप के फुटवेयर्स होते हैं ना, बच्चों से लेकर बड़ों तक के, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के फुटवेयर्स रखना चाहते हैं। जो टिपिकल टाइप के हमारे शूज रैक होते हैं उनमें हम इस तरीके से अपने शूज प्लेस करते हैं, पर इसमें आपको अपने शूज को डोर्स में ऐसे फिट करके रखना है, तो ये बहुत अच्छा है, और जब वो क्लोज होगा डोर्स के साथ तो वो इस तरीके से जाकर क्लोज हो जाता है, तो ये बहुत मतलब स्लिक है, उसका जो डिजाइन है वो उसी हिसाब से बना हुआ है, तो बहुत स्लिक डिजाइन है, और अगर आपके पास स्लीपर्स है, सैंडल्स है, तो आप उनको इस तरीके से लगा दीजिएगा तो बहुत सारे सैंडल्स आ जाएंगे, या फिर मैं क्या करती हूँ, अगर जो स्लीपर्स हैं या हल्के सैंडल्स हैं तो मैं उनको इस तरीके से, मतलब ये दोनों सोल का जो पार्ट है वो इस तरीके से अटैच करके रख देती हूँ, तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो लगभग 4-5 सैंडल्स या स्लीपर्स आप रख सकते हैं एक रैक में। हाँ, अगर आप स्पोर्ट्स शूज रख रहे हैं तो डेफिनेटली एक रैक में आप सिर्फ 2 रख सकते हैं, पर अगर आप स्लीपर्स या सैंडल्स रख रहे हैं तो डिफरेंट पोजीशन में आप उसको रख के 4 से 5 तक भी रख सकते हैं। एक शेल्फ की मैं बात कर रही हूँ, अब आपके पास 2 शेल्फ वाला है या 4 शेल्फ वाला है या फिर 5 शेल्फ वाला है मेरी तरह, ये उस पर डिपेंड करता है। ये वेल वेंटिलेटेड है जो कि इसको क्लीन एंड हाइजेनिक रखता है, देखने में भी ये बहुत स्टाइलिश लगता है। इसमें सेंट्रलाइज्ड लॉक है जिससे कि होल शू रैक यूनिट एक ही की से लॉक हो जाता है, और ये लॉक टॉप राइट कॉर्नर में है तो आप इसे आसानी से लॉक कर सकते हैं।
सिक्स स्क्रू की हेल्प से आप इसको खुद से या किसी कारपेंटर की हेल्प से आप इसको ड्रिल करवा के लगा सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है इसको लगवाना। अगर आपके पास ड्रिलिंग मशीन है तो आप इसे खुद से भी लगा सकते हैं। जो फोर्थ ऑर्गेनाइजर है हमारा वो है लियो फैब का एक कुशन। अगर आप इसके ब्रांड की बात करें तो मैं ब्रांड मिस कर रही हूँ ये किस ब्रांड का है, पर ये एक नॉन वीवन क्लोथ से बना हुआ माइक्रो फाइबर कुशन है जो कि मीडियम साइज का है और बहुत सॉफ्ट है। 16x16 के साइज में ये मुझे पैक ऑफ 5 मिला था। प्राइस मुझे याद नहीं है, आई थिंक 600 के अप्रॉक्स में मुझे ये मिला था पैक ऑफ 5। अमेजोन पे तो रेट वैरी करते रहते हैं तो मुझे ये लगभग 600 के अप्रॉक्स मिला था और ये बहुत खूबसूरत है। किसी भी बेड या सोफे के लुक को इन्हांस करने के लिए कुशंस बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसका मटेरियल या क्वालिटी की अगर आप बात करें तो दोनों ही बहुत सुपर हैं। बहुत सॉफ्ट है, फाइबर की जो इसमें स्टफिंग की गई है वो भी बहुत हेवी स्टफिंग है। इसका जो फाइबर है वो एक्स्ट्रा स्मूथ और लाइट है। ब्रांड मैं मिस कर रही हूँ, अगर मुझे ध्यान आएगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे लिख दूंगी ब्रांड, बट मैं अभी मिस कर रही हूँ। फिफ्थ और लास्ट जो होम ऑर्गेनाइजर था मेरा 2020 का वो है एक ब्रूम होल्डर। अगर मैं डिटेल में इसके नाम की बात करूं तो ये है रोमिनो वॉल माउंटेड ब्रूम एंड मॉप होल्डर। ये अगेन एक वॉल माउंटेड होल्डर है तो इधर विधर जो भी आपके डस्टर्स, आपके वाइपर्स, आपके ब्रूम, आपके मॉप जो फैले रहते हैं बहुत ही गंदे दिखते हैं बहुत ज्यादा, तो ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। सबको एक जगह एक लाइन में आपने होल्ड कर दिया इस होल्डर में। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो मिनिमम आप इसमें 11 टूल्स तक स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसमें 5 स्लॉट्स हैं और 6 हुक्स हैं, तो कुछ ऐसी चीजें जो हैंग करने वाली हैं आप वो इनके हुक्स में हैंग कर सकते हैं और कुछ जो आपको फिक्स करने वाली है वो बहुत इजिली थंब की हेल्प से आप इसमें होल्डर में फिक्स कर सकते हैं बहुत इजिली। आप थोड़ा सा किसी भी, जैसे आपका कोई ब्रूम है आपको इसमें फिक्स करना है तो इसमें रबर का एक गोला सा दिया हुआ है, आप बस ब्रूम को उठा के उसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए आप उसको ऐसे फिक्स कीजिएगा। हल्का सा खट से आवाज करता है वो और वो फिक्स हो जाता है। जैसे फिर आपको निकालना है तो आप उसको नीचे की तरफ खींचते हुए रिलीज कर लीजिए, बहुत आसानी से रिलीज होता है। अगर हम मटेरियल की बात करें तो ये एक ABS प्लास्टिक का बना हुआ है। मेरे पास जो कलर आया है वो तो ग्रे कलर का है, हालांकि उसमें मेंशन था कि ये मल्टी कलर का है, मींस कि किसी भी कलर का आपके पास आ सकता है, पर मेरे पास जो कलर आया था वो मैंने पिक्चर में भी ग्रे ही देखा था और मुझे मिला भी ग्रे ही था। साइज इसका बहुत परफेक्ट है, 40x8x6 सेंटीमीटर का है, मींस 40 लेंथ 8 विड्थ और 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो बहुत इजिली आप इसको वॉल पे माउंट कर सकते हैं। बहुत लाइट वेट है, ऑलमोस्ट 22 पाउंड्स के आसपास का था ये शायद, और आप इसमें 35 पाउंड्स के आसपास के कैपेसिटी के टूल्स आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। ये होल्ड कर लेता है इजिली। इसका जो ग्रिप है वो बहुत स्ट्रांग है, आपके जो ब्रूम है मॉप है वो सब इसमें से स्लिप नहीं होते हैं। इजिली आप इसमें से रिलीज कर सकते हैं अपने किसी भी टूल को। आप इसको, सबसे अच्छी जो चीज है कि आप इसको खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं, अगेन अगर आपके पास ड्रिलिंग मशीन है तो, क्योंकि इसको भी आपको वॉल पे माउंट करना है और वॉल पे माउंट करने के लिए आपके पास ड्रिलिंग मशीन होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ड्रिलिंग मशीन है तो आपने इजिली उसको ड्रिल किया और उसमें आपने उसको माउंट कर दिया। जितनी भी एक्सेसरीज चाहिए वो सब कुछ इसमें आपको साथ में मिल जाती है। आप इसको किचन में भी यूज कर सकते हैं, अपने लॉन्ड्री एरिया में यूज कर सकते हैं, अपने वॉशरूम में यूज कर सकते हैं। आजकल के जो वॉशरूम्स हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट बने हुए हैं और हर वॉशरूम में 2-3 टूल तो होता ही होता है हैंग करने के लिए, और वो सब वाइपर वगैरह सब फर्श पे फैला रहता है, बहुत गंदा दिखता है और वो सूखता भी नहीं है। सबसे मुश्किल क्या है ना कि फर्श पे अगर आप वॉशरूम में कुछ भी छोड़ते हैं तो वो सूखता नहीं है, तो आप उसको वॉल पे माउंट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे से सूख जाएगा, बहुत हाइजेनिक रहेगा और देखने में भी क्लटर्ड नहीं लगेगा आपका वॉश रूम, अगर आपका वॉशरूम बहुत छोटा है तो। इवन कि गार्डन में जो हम लोग टूल्स वगैरह यूज करते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप इसको इजिली वहां भी गार्डन में कहीं पे आप इसको फिक्स कर दीजिए और वहां भी अपने गार्डन के सारे टूल्स को हैंग कर सकते हैं। एक चीज मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। हालांकि इसमें मेंशन है कि आप जिस भी ब्रूम को या मॉप को उसमें फिक्स करते हैं वो स्लिप नहीं करता है, डेफिनेटली नहीं करता है, पर एक केस में ब्रूम्स या मॉप्स आपके स्लिप कर सकते हैं।
कि आपका जो ब्रूम है या मॉप है वो एक साइड से तो बहुत लाइट वेट है, दूसरे साइड में बहुत हेवी है। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं हमारे पास जो कि एक साइड से बहुत लाइट वेट है, दूसरे साइड में बहुत हेवी है। तो अगर हेवी वाले पार्ट को आप नीचे की तरफ करके और तब आप उसको उसमें फिक्स करते हैं, तब वो डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाता है, नीचे की तरफ क्या बोलते हैं उसको, स्लिप कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गिर जाएगा, गिरेगा नहीं, पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लिप करता है। उसका उपाय ये है कि इस तरह के जो भी मॉप्स वगैरह हैं, अगर आप इनको हैंग करते हैं उसमें ब्रूम होल्डर में, तो जो हेवी वाला पोर्शन है आप ऊपर की तरफ करके कीजिए, तो डेफिनेटली ये स्लिप नहीं करेगा और बहुत अच्छे से आपकी जो भी मॉप्स ब्रूम्स वगैरह है वो सब इजिली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। थोड़ा सा ये यूज करने में आपको 2 से 3 दिन का समय लगेगा इसके साथ एडजस्ट होने में, क्योंकि इसमें 2 इस तरह के बॉल्स दिए हुए हैं। मैं इतने टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगी कि उसको क्या बोलते हैं, उसमें रबर्स की फिटिंग है, तो उसी रबर्स की फिटिंग के साथ वो आपका ब्रूम जाके फिक्स होता है। तो 1-2 बारी जैसे आप उसमें किसी चीज को फिक्स करेंगे, रिलीज करेंगे, फिक्स करेंगे, रिलीज करेंगे, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस चीज को किस तरीके से फिक्स करके कैसे रिलीज करना है। तो 2-3 दिन के बाद आप यूज्ड हो जाएंगे और उसके बाद आपके लिए वो यूज करना आसान हो जाएगा। तो ये तो थे मेरे फेवरेट्स होम ऑर्गेनाइजर्स जिनको मैंने ऑर्डर किया था 2020 में, और 6, 7, 8 महीने या किसी को साल भर यूज करने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल पैसा वसूल है, और जो बिल्कुल पैसा वसूल था मैंने सिर्फ आपके साथ वही शेयर किया है। अगर इनमें से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत पसंद आया हो और जो आपको लगता हो कि आपके घर को भी उसकी नीड है, आपको भी उसकी नीड है, तो डेफिनेटली बाय करना तो बनता है। सारे प्रोडक्ट का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। थोड़ा लंबा हो सकता है पर क्या करें, अगर बहुत डिटेल में कुछ बताना होता है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो ही जाती है। अच्छे होम ऑर्गेनाइजर्स की नीड हर एक घर को होती है, ये हमारे लाइफ को बहुत आसान कर देते हैं, हमारे काम को बहुत आसान कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल का बटन है उसको भी जरूर हिट कर दीजिएगा, सो दैट मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।